सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसमें से वैसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये जो टॉपिक है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से जैसे रेड बुक डेटा है इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी होती क्या है। देखिए पृथ्वी के विभिन्न आवासों में तरह तरह के पादप व जीव जंतुओं की उपस्थिति को हम जैव विविधता कहते हैं। अब देखिए हमारी पृथ्वी पर काफ़ी तरह के जीव जंतु रहते हैं और जिनमें से काफ़ी विलुप्त तो हो चुके हैं और कुछ विलुप्त तो होने की कगार पे हैं, तो इन सभी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। वर्ष 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, ये चीज़ हमें पता होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों जैव विविधता हमारी कितनी तरह की होती है। मुख्य रूप से ये तीन तरह की होती है दोस्तों। सबसे पहले होती है आनुवंशिक विविधता। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे एक ही जीव जंतु है वो अलग अलग अक्षेत्र में अलग अलग तरह से पाया जाता है। जैसे कि हम बात करें सांप, सांप हमारा काफ़ी प्रजातियों के अंदर पाया जाता है। इसी तरीके से अगर हम धान की बात करें तो धान की प्रजातियां 50,000 से अधिक पाई जाती है। आम की जो प्रजातियां हैं वो 1,000 से ज़्यादा पाई जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक विविधता कहते हैं। और उसके बाद हम बात करें जैसे जातीय विविधता। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यह विविधता जातीय स्तर पर होती है। जैसे पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में तरह तरह की अभ्यचर जातियां रहती है। और आगे हम बात करें जैसे पारिस्थितिक विविधता, यानी कि जो हमारा भौगोलिक अक्षेत्र है उस हिसाब से जो विविधता पाई जाती है उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। इसके अंदर जैसे कि भारत में रेगिस्तान, वर्षा वन, पतझड़ वन आदि की पारितंत्र विविधता नॉर्वे से अधिक है। और इसके बाद दोस्तों जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोस्तों ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक रेड बुक डेटा लिस्ट जारी करता है जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि कौन सी जो जाति है वो संकटग्रस्त है, विलुप्त होने की कगार पे है या जो विलुप्त हो चुकी है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है। अगर इसके अंदर हम कुछ बेसिक चीज़ देखें कि IUCN की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 के अंदर फ्रांस के अंदर हुई थी। और इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे, जूलिया था। यहाँ पे आप इनके नाम पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर जैसे कि श्रेणी, अब श्रेणी की बात करना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। ये जो रेड बुक डेटा है ये 9 श्रेणियों में विभाजित होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं विलुप्त जाति की। जाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा तो उसे हम क्या कहेंगे, विलुप्त कहेंगे। और उसके बाद में जो सेकेंड कैटेगरी आती है वन विलुप्त, यानी कि वो जाति जो केवल वनों से विलुप्त हो गई हो और कहीं ना कहीं और दूसरे क्षेत्र में पाई जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, वन विलुप्त कहेंगे। उसके बाद है दोस्तों घोर संकटग्रस्त, यानी कि ऐसी प्रजाति जिनका जाति का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ हो। और उसके बाद है दोस्तों संकटग्रस्त, जाति का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ हो उसे कहेंगे। और उसके बाद है दोस्तों असुरक्षित, असुरक्षित के अंदर जाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो उसे हम कहेंगे असुरक्षित। तो दोस्तों यहाँ पे 9 कैटेगरी दी हुई है, आप इन 9 की 9 को पढ़ लेना और साथ के साथ हमने इंग्लिश में भी इनके नाम दिए हुए हैं तो आप ये भी पढ़ लेना। और जैसे कि अब हम बात करें दोस्तों, अभी जो जुलाई 2018 के अंदर जो लिस्ट आई थी उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई वो हम देखते हैं। विश्व की 26,000 से अधिक प्रजातियाँ संकटग्रस्त चल रही है। और इसके अंदर दोस्तों और जो चीज़ है वो हम देख लेते हैं, IUCN द्वारा जारी लाल सूची में अब प्रजातियों की संख्या टोटल कितनी हो गई है, 93,570 हो गई है। जितनी भी 9 कैटेगरी उनके अंदर कितना है, टोटल 93,570 है। और जिनमें से जो अधिक संकटग्रस्त है वो कौन सी है दोस्तों, 26,197 प्रजातियाँ अधिक संकटग्रस्त है। और आगे हम जैसे बात करें कि अब तक 6 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है जिससे कुल विलुप्त प्रजातियों की संख्या बढ़कर 872 हो गई है। और उसके बाद जैसे 1700 प्रजातियां नाजुक स्थिति के अंदर अभी चल रही है। और उसके बाद हम जैसे बात करें कि नई सूची के अनुसार 19 प्रजातियां जो पहले से ही संकटग्रस्त थी
उनका जो लेवल है वो ऊपर बढ़ा दिया गया है दोस्तों, वो अब खतरे की घंटी के अंदर आ गई है, खतरा और बढ़ गया है उनके ऊपर। और जैसे कि हम बात करें इसमें फुफुशिमा परमाणु दुर्घटना, कृषि रसायनों से अत्यधिक प्रयोग के कारण जापान का दो केचुआ प्रजाति तथा ऑस्ट्रेलिया का बार्टेली अब धीरे धीरे संकटग्रस्त श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में शामिल हो गया है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। और उसके बाद जैसे हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की 7% सरीसृप्स जिनमें छिपकली एवं सांप भी शामिल है विलुप्त के कगार पर पहुंच गई है। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है दोस्तों, आप यहाँ से पढ़ लेना, बिल्कुल आसान है। और जैसे कि हम इसमें बात करें कि वैज्ञानिकों के अनुसार अब खतरा जलवायु परिवर्तन से ज़्यादा वैव विविधता के नष्ट होने से है, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है कथन अभिकथन के अंदर आ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दोस्तों इसमें से पहले तो वैसे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन फिर भी आप एक बार इस लिस्ट को ज़रूर देख लेना, शायद क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि अंसी नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर है। बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटका के अंदर। भगवान महावीर नेशनल पार्क है गोवा के अंदर। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है यहाँ पे, आप देख लेना दोस्तों। जैसे कि डाची गांव कहाँ पे, श्रीनगर के अंदर है, ये सारी की सारी आप एक बार देख लेना, क्या पता शायद इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। और इसके बाद में जैसे हम बात करें दोस्तों, ये दिए 51 राष्ट्रीय नेशनल पार्क दिए हुए, आप ये एक बार देख लेना। उसके बाद जैसे कि हम बात करें दोस्तों, इम्पोर्टेंट डैम इन इंडिया विद रिवर अक्रॉस, ये इसमें से दोस्तों शायद इसमें भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार इसे देख ज़रूर लेना दोस्तों। इसमें से वैसे तो बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं आज तक, लेकिन फिर भी आप एक बार एक नज़र ज़रूर दौड़ा लेना, और इसे पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इस लिस्ट को देख लेना कि कौन सा डैम बनाया हुआ है वो आप देख लेना। जैसे हरिकुंड है वो कहाँ पे है, ओडिशा के अंदर दिया हुआ है। और उकाई डैम है वो है गुजरात के अंदर दिया हुआ है, तो ये आप एक बार देख लेना दोस्तों। ये पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है हमने दोस्तों, ये जो लिस्ट है हम देख लेते हैं कितनी है, 72 की लिस्ट है। और जैसे कि ये हो गया राजघाट है, ये किस कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर दिया हुआ है। जमरानी डैम है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर दिया हुआ है, तो आप एक बार इसको देख लेना दोस्तों। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।